ओपीडी। इस विशेष प्रोग्राम में हम रोजाना किसी एक नए बीमारी या फिर यूं कह लीजिए कि मेडिकल इश्यू को लेकर उस पर एक्सपर्ट डॉक्टर की राय लेते हैं, ताकि आपको घर बैठे अहम जानकारियां मिल सके। हेल्थ ओपीडी में आज का जो हमारा मुद्दा है वो है ब्रेस्ट इम्प्लांट। गुड पर्सनैलिटी और हजारों के बीच में आकर्षक दिखना, ये हर महिला की चाहत होती है। किसी महिला की खूबसूरती में उसकी ब्रेस्ट का आकर्षक होना सबसे अहम माना जाता है। यही वजह है कि हिंदुस्तान में ब्रेस्ट इम्प्लांट का क्रेज बढ़ता जा रहा है। इस दौड़ में कॉलेज गर्ल्स और वर्किंग वुमेन तो है ही, लेकिन हाउसवाइफ भी पीछे नहीं है। ब्रेस्ट इम्प्लांट के लिए 18 से 24 और 32 से 40 वर्ष की उम्र तक की महिलाएं और रिडक्शन के लिए 35 के बाद की महिलाओं के केस सबसे ज्यादा सामने आते हैं, खासकर वर्किंग वुमेन। जहां तक ब्रेस्ट इम्प्लांट की बात है तो 18 साल के बाद इम्प्लांट संभव है। एक बार इम्प्लांट हो गया तो आजीवन रह सकता है। इसके लिए कुछ सावधानियां सबसे जरूरी हैं, जिनका ध्यान रखना बहुत बहुत आवश्यक है। स्तन को बढ़ाने की ये प्रक्रिया उन महिलाओं के लिए की जाती है जो अपने स्तनों का आकार बदलना या उन्हें नया आकार देना चाहती हैं। इस तरह के ज्यादातर मामलों में ब्रेस्ट में सिलिकॉन या सलाइन का इम्प्लांट लगाया जाता है, ताकि ब्रेस्ट को भरा हुआ दिखाया जा सके और बेहतर आकार दिया जा सके। इम्प्लांट करवाने वाली महिलाओं को सबसे बेस्ट और प्राकृतिक दिखने वाले नतीजे मिल पाएं, इसके लिए इम्प्लांट्स अलग अलग साइज, आकार और शैली में मिलते हैं। मूल रूप से स्तनों के आकार को बढ़ाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है फैट ट्रांसफर और दूसरा है ब्रेस्ट इम्प्लांट। फैट ट्रांसफर तकनीक की लागत लगभग 50,000 रुपए से 1,00,000 रुपए तक की है, जबकि ब्रेस्ट इम्प्लांट में करीब 1,50,000 तक का खर्चा आ जाता है। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ एस्थेटिक प्लास्टिक सर्जरी के अनुसार साल 2016 में भारत में लगभग 33,000 ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी की गई थी, लेकिन बदलते वक्त के साथ देश में ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि साल 2019 में 1,50,000 ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी की गई। बड़ा सवाल यहाँ पर ये है कि आखिर ये सर्जरी कितनी सेफ है। तो जो नतीजे सामने आए हैं उनके मुताबिक करीब 98% तक ब्रेस्ट इम्प्लांट के केस सफल रहे हैं। 1 से 2% मामलों में ऐसी परिस्थिति बनती है कि जब शरीर इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाता। जहां तक विदेशों की बात है तो कुछ मामलों में ये भी देखा गया है कि सर्जरी के बाद महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, जिसे कार्सिनोमा कहा जाता है। लेकिन इस तरह के मामलों में बहुत कम, या यूं कहिए कि भारत में तो ना के बराबर है। अगर अमेरिका की बात करें तो वहाँ हर साल करीब 4,00,000 महिलाएं ब्रेस्ट इम्प्लांट करवा रही हैं। इनमें से 1,00,000 महिलाएं ब्रेस्ट कैंसर से बचने के लिए इम्प्लांट करवा रही हैं, जबकि 3,00,000 का मकसद स्तन को बेहतर आकार देना है। जिस तरह से बीते सालों में ब्रेस्ट इम्प्लांट के केस देश दुनिया में बढ़े हैं, उसे देखते तो यही लग रहा है कि आने वाले सालों में भी भारत में सालाना होने वाले ब्रेस्ट इम्प्लांट के मामलों में तेजी आएगी। आज की हेल्थ ओपिनियन में हम आपको बताने जा रहे हैं कि ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी है क्या, किन महिलाओं को ये सर्जरी करानी चाहिए, इसमें रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, सर्जरी से पहले और सर्जरी के बाद किन बातों का एहतियात हमें बरतना चाहिए और इस सर्जरी में कितना खर्च आता है। इन बेहद अहम सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जन पीएस मलिक। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के इस हेल्थ ओपीडी शो में। शुक्रिया समर। इंडिया न्यूज के दर्शकों को मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर मलिक, डायरेक्टर एलिगेंजा कॉस्मेटिक सर्जरी। सर, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बेहद आसान तरीके से समझाइए कि ब्रेस्ट इम्प्लांट है क्या और महिलाएं इसे क्यों कराती हैं? ब्रेस्ट इम्प्लांट एक सिलिकॉन का बैग है जो ब्रेस्ट के अंदर अलग अलग पोजीशंस के थ्रू डाला जाता है और इससे जो ब्रेस्ट है वो थोड़ा बड़ा, सुंदर और सुडौल लगने लगता है। इसको कराने के लिए वो महिलाएं आती हैं जिनके ब्रेस्ट बचपन से डेवलप ही नहीं हुए, या वो महिलाएं आती हैं जो मिड 30s में हैं, जिन्होंने अपने फैमिली को कम्प्लीट कर लिया है और उसके बाद ब्रेस्ट की शीट खत्म हो गई है, या कुछ प्रोफेशनल्स हैं
जो मूवी में, थिएटर में, ड्रामास में काम करते हैं और उनको अपने ब्रेस्ट को साइज को बड़ा करना चाहते हैं, इसके लिए वो हमारे पास आते हैं। इसको ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी कहते हैं। इसमें ब्रेस्ट जो है साइज इंक्रीज कर जाता है, सुंदर सुडौल बन जाता है और एक लड़कियों का या महिलाओं का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज कर जाता है। डॉक्टर मलिक, सर्जरी का नाम सुनते ही एक डर मन में बैठ जाता है कि चीर फाड़ होगी, शरीर को कहीं कांटा पीटा तो नहीं जाएगा। जहां तक ब्रेस्ट इम्प्लांट का सवाल है, आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ये सर्जरी कैसे की जाती है, इसका पूरा प्रोसेस क्या है। लोग अक्सर ऑपरेशन का या सर्जरी का नाम सुन के एक डर सा पैदा हो जाता है, लेकिन ये ऐसी सर्जरी है जिसमें महिला इसको कराने के लिए खुद उत्सुक होती है और प्रसन्न रहती है, क्योंकि ब्रेस्ट में कमी है इसकी वजह से मनोवैज्ञानिक रूप से या इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इन बच्चों में रहता है, या वो लड़कियां हैं या वो जो 30s की उम्र की हैं, उनको लगता है कि ब्रेस्ट कभी बहुत सुंदर थे, अब उतने सुंदर नहीं रह गए, इसलिए वो स्वयं हम लोग से अप्रोच करती हैं कि हमें अपने ब्रेस्ट की सुंदरता को वापस पाना है। तो इसमें घबराने की बात कोई नहीं होती है, एक बड़ी सेफ सर्जरी है जिसको हम लोग एनेस्थीसिया में या बेहोशी में परफॉर्म करते हैं, और बेहोशी में परफॉर्म करने के कारण पेशेंट एक तो कंफर्टेबल रहता है और कोऑपरेटिव रहता है, उसे तकलीफ नहीं होती, और एक घंटे या सवा घंटे की सर्जरी है। इसको करने के पश्चात मरीज को फिर से जगा दिया जाता है और रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है, और जब वो अपने ब्रेस्ट को देखती हैं कि उसका ऑगमेंटेशन या साइज पहले से पहले अच्छा हो गया, तो ये उनको एक प्रसन्नता का भाव देता है और वो प्रसन्न होकर एक दिन के बाद अपने घर चली जाती है। लोग अक्सर पूछते हैं कि ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी आखिर की कैसे जाती है। इसमें महिला को एक दिन पहले बुला लिया जाता है, उसका कंसेंट लिया जाता है और ब्रेस्ट पे मार्किंग्स बनाई जाती हैं कि हमने इस प्रोसेस को परफॉर्म कैसे करना है। जिस दिन ऑपरेशन करना होता है उस दिन बेहोशी के अंतर्गत या लोकल एनेस्थीसिया के अंतर्गत पेशेंट को तैयार किया जाता है, और ब्रेस्ट इम्प्लांट के लिए तीन तरीके हैं जहाँ से हम ब्रेस्ट के या वक्ष के नीचे जा सकते हैं। एक तरीका है जिसमें निपल या एरियोला के थ्रू जाते हैं, दूसरा है साइड से या एक्सिला से जाते हैं, और तीसरा है इंफ्रामेमरी या ब्रेस्ट के नीचे से। जो मोस्ट कॉमन मेथड है जिसको हम लोग परफॉर्म करते हैं वो इंफ्रामेमरी या ब्रेस्ट के नीचे से एक इंसिजन या एक ओपनिंग बनाते हैं, क्योंकि ये ओपनिंग ब्रेस्ट के नीचे छुप जाती है और इससे पता भी नहीं चलता है। और इसको करने के पश्चात ब्रेस्ट में पहले जगह बनाई जाती है ब्रेस्ट के नीचे, और जब हम परफॉर्म कर लेते हैं, इम्प्लांट डाल लेते हैं, तो उन जगहों को पहले से बंद कर देते हैं, और इसके बाद एक दिन के बाद मरीज को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। डॉक्टर मलिक, वाकई आपने बड़े ही सुलझे हुए तरीके से अब तक ब्रेस्ट इम्प्लांट के बारे में जानकारी दी। डॉक्टर मलिक कहते हैं कि सर्जरी चाहे छोटी हो या बड़ी, खतरे की गुंजाइश को नकारा नहीं जाता है। हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी कितनी सुरक्षित है, इसमें रिस्क फैक्टर क्या है और इसे कराने की सही उम्र क्या है। महिलाएं अक्सर पूछती हैं कि हमें ब्रेस्ट इम्प्लांट करने से क्या फायदा है या क्या नुकसान है। तो फायदे तो बहुत सारे हैं, जो एक आत्मनिर्भरता थी जिसकी कमी थी या इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जो महिलाओं में था वो सारा का सारा खत्म हो जाता है। ब्रेस्ट इम्प्लांट जब हो जाता है और ब्रेस्ट की ब्यूटी पहले से अच्छी होने लगती है, तो महिलाओं में एक कॉन्फिडेंस लेवल जो था वो कम होने लगा था वो फिर से वापस आ जाता है, जिससे कि अपने जीवन में, अपने शारीरिक जीवन में, अपने आर्थिक जीवन में, या बच्चे जो पढ़ाई करते हैं, यानी हर तरीके से मानसिक रूप से उन्हें एक तरह से आज़ादी फिर से मिल जाती है और अपने जीवन में प्रसन्नता का अनुभव करती हैं। जहाँ तक कीमत का सवाल है, कीमत डिपेंड करता है कि ब्रेस्ट इम्प्लांट कैसे हैं और कहाँ से हैं। यूजुअली हम लोग जो इम्प्लांट्स मंगवाते हैं पहले अमेरिका से मंगवाते थे, अब जो बेस्ट हैं वो यूरोपियन इम्प्लांट्स हैं, जैसे कि ये मोटिवा कंपनी है बेल्जियम की, ये इम्प्लांट है, हम लोग उनके यहाँ से मंगवाते हैं। और डॉलर की कीमत पर निर्भर करता है कि आज की डॉलर की क्या कीमत है। यूजुअली इसकी कीमत 1.25 लाख से लेकर 2.5 लाख के बीच में आती है, डिपेंड करता है कि इम्प्लांट कौन सा यूज कर रहे हैं। सबसे पहली जरूरत है कि ब्रेस्ट इम्प्लांट उन बच्चों को कराना चाहिए जो एडल्ट हो चुके हैं, यानी कि 18 साल से ऊपर हैं। उसके ऊपर वो किसी भी उम्र की महिला हो वो ब्रेस्ट इम्प्लांट करवा सकती है, चाहे वो 20s में हो या 40s में हो या 50s में हो। जो कोई भी महिला अपने ब्रेस्ट को ऑगमेंट करना चाहती है या साइज को बड़ा करना चाहती है, उसके लिए ब्रेस्ट इम्प्लांट कराना उपयुक्त है। चलिए, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि भले ही ब्रेस्ट इम्प्लांट एक सर्जरी है लेकिन इसमें रिस्क फैक्टर्स ज्यादा नहीं है, यानी ये सेफ है। डॉक्टर मलिक, किसी भी सर्जरी को कंप्लीट होने में एक समय लगता है,
आपके लिहाज से ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी में कितना वक्त लगता है, यानी ये कितने घंटे का प्रोसेस है? लोग अक्सर पूछते हैं कि इस ब्रेस्ट इम्प्लांट को करने में कितना समय लगता है। इसमें अगर हम पूरा समय गिने कि बेहोशी में शुरू करने से लेके और पेशेंट के जगने तक का, अमूमन दोनों ब्रेस्ट में अलग अलग काम करना पड़ता है, तो अगर सब समय मिला के करीब 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं, और उसके पश्चात मरीज को जगा दिया जाता है और वो अपने रूम में या पोस्ट ऑपरेटिव केयर में फिर से शिफ्ट कर दिया जाता है। डॉक्टर मलिक, अक्सर देखा गया है कि कई बार सर्जरी के बाद लोगों को कुछ और परेशानियां घेर लेती हैं, कई बार दवाइयों और इलाज का भी साइड इफेक्ट हो जाता है, क्या ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी का भी कोई साइड इफेक्ट है? महिलाएं अक्सर मेरे पास जब आती हैं ब्रेस्ट इम्प्लांट करवाने के लिए, तो दो अहम सवाल उनके मन में होते हैं या शंकाएं होती हैं कि डॉक्टर साहब इसका कोई साइड इफेक्ट है या इसको कराने के बाद मेरे पे कोई बीमारी तो नहीं हो जाएगी। तो इसमें दो प्रश्न महसूस जरूर होते हैं कि क्या इससे मुझे कोई कैंसर हो जाएगा, या क्या मैं कल को अपने बच्चे पैदा करूंगी तो क्या बच्चों को मैं दूध पिला सकती हूँ। तो इसका आंसर है कि आपका ब्रेस्ट उतना ही नॉर्मल है जितना पहले था। ब्रेस्ट के नीचे ये इम्प्लांट गया है, ब्रेस्ट को किसी तरह से डिस्टर्ब नहीं करता। और जो दूसरा सवाल जो बहुत कॉमन है, क्या इम्प्लांट के होने से मुझे कोई कैंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर है कि नहीं, कोई कैंसर या नहीं। कि यूएसए एफडीए में करीब 25 साल लगे जब उन्होंने सिलिकॉन इम्प्लांट के लिए अमेरिकन गर्ल्स को अलाउ किया। वो ये देखना चाहते थे कि सिलिकॉन इम्प्लांट होने से क्या कैंसर होने की या कोई बीमारी होने की संभावनाएं बढ़ी या नहीं बढ़ी। उन्होंने ये पाया कि इसके होने से कोई बीमारी भी नहीं बढ़ी, और अगर किसी को कैंसर होने का इंसिडेंस था तो उन्हीं को हुआ, कैंसर होने की जो इंसिडेंस है वो बढ़ नहीं गया। इसका मतलब है कि ये ब्रेस्ट इम्प्लांट एक इनर्ट इम्प्लांट की तरह से रह जाता है। 99% महिलाएं इसको कराने के बाद मानसिक रूप से सुखी होती हैं और कंफर्टेबल रहती हैं। हाँ, कुछ लोगों को किसी तरह की एलर्जी हो या ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हो, तो उनको हम लोग सजेस्ट करते हैं कि आप ये काम ना कराइए। तो साथियों, आपने अब तक डॉक्टर मलिक को सुना। डॉक्टर मलिक ने अब तक ब्रेस्ट इम्प्लांट से जुड़े सवालों को बेहद सरल साधारण तरीके से समझाया। डॉक्टर मलिक, जब हम किसी सर्जरी के लिए जाते हैं तो हमें सर्जरी से पहले और उसके बाद में कई बातों का एहतियात बरतना होता है। हमें आप ये बताइए कि ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी कराने से पहले और सर्जरी के बाद में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हमें हमारे खान पान में और अपने डेली रूटीन में क्या बदलाव करने चाहिए। किसी भी महिला को जब ब्रेस्ट इम्प्लांट कराना होता है तो कराने से पहले कुछ चीजें बड़ी आवश्यक हैं, यानी कि ब्रेस्ट का प्रॉपर एग्जामिनेशन, क्या उसमें कोई गांठ या कोई इस तरह की कोई चीज या कोई डिजीज तो नहीं है या कोई इन्फेक्शन तो समय नहीं है ब्रेस्ट में। इसके अलावा हम लोग चाहते हैं कि एक मैमोग्राफी या एक ब्रेस्ट का एक्सरे होता है वो करा लें, ताकि अगर कोई चीज ऐसी हो जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन में नहीं है वो मैमोग्राफी में दिख जाए। क्योंकि ब्रेस्ट इम्प्लांट करने के बाद आपको कभी फ्यूचर में कोई परेशानी हो तो हमें बेसिक ब्रेस्ट के आइडिया रहे कि वो कैसा है। और ब्रेस्ट इम्प्लांट कराने के लिए ज़रूरी ये है कि क्या महिलाएं उस समय फीड तो नहीं कर रही। अगर उनको मिल्क सिक्रीशन हो रहा होता तो पहले दवाइयां हम लोग देते हैं ताकि ब्रेस्ट में वो मिल्क सिक्रीशन रुक जाए। दूसरा ये है कि ब्रेस्ट इम्प्लांट कराने के बाद उनको थोड़ा सा कोई वजन नहीं उठाना है, या अपने हाथों को सिर्फ कंधे से ऊपर नहीं ले जाना है, या अपने शारीरिक संबंध कम से कम 1 से 1.5 महीने तक हम लोग मना करते हैं कि वो ना करें। क्योंकि ब्रेस्ट में जो सर्जरी हुई है उसकी पूरी हीलिंग हो जाए उसके पश्चात ही ब्रेस्ट को डिस्टर्ब किया जाए या उसको छुआ जाए तो तभी ठीक है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो कभी कभी टांके खुल जाते हैं या इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए उनको कहते हैं कि बड़े एहतियात से रहें और उसके एंटीबायोटिक कवर जब तक बताया गया है वो लें, और एक्सरसाइजेज, हैवी एक्सरसाइजेज वगैरह जिसमें आर्म्स की एक्सरसाइज हो या चेस्ट की एक्सरसाइज हो वो कम से कम 6 हफ्ते तक ना करें। डॉक्टर मलिक, आपने ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी से जुड़ी बेहद अहम जानकारी आज की हेल्थ ओपीडी में साझा की। यकीनी तौर पर यह हमारे दर्शकों के बहुत काम आएगी। आपने हमें समय दिया, इतनी अहम जानकारी साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि जो लोग ब्रेस्ट इम्प्लांट के बारे में सोच रहे हैं उनके लिए आज की ये हेल्थ ओपीडी बड़े काम की रहेगी। कल हम फिर आएंगे किसी और मुद्दे पर एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ। हमें आप विदा दीजिए, लेकिन हाँ, जाते जाते आपसे एक गुजारिश है, स्वस्थ रहें, अपने अपने परिवार का ख्याल रखें। नमस्कार।